राजधानी जयपुर के सिटी पैलेस के बगल में स्थित वेंकटेश्वर मंदिर की संपत्ति को लेकर मंदिर पक्ष और सिटी पैलेस ट्रस्ट में विवाद हुआ और नाटकीय घटनाक्रम के तहत इसका पटाक्षेप भी हो गया है। आपको जानकारी के लिए बता दें कि मंदिर महंत वेणुगोपाल ने गुरुवार सुबह 4 बजे सिटी पैलेस स्टाफ के ऊपर मंदिर की जमीन पर कब्जा करने, मारपीट और उनके परिवार को बंधक बनाने का आरोप लगाया था, लेकिन शाम होते होते वो खुद अपने दावे से पलट गए। हालांकि पूरे विवाद का एक वीडियो भी सामने आया था जिसने गुरुवार को दिन भर सुर्खियां भी बटोरी। आपको जानकारी के लिए बता दें कि मंदिर के महंत वेणुगोपाल ने मीडिया से बातचीत में बताया कि संपत्ति पर विवाद है और मामला कोर्ट में है। वहीं सिटी पैलेस के प्रशासक का कहना है कि यह हमारी संपत्ति थी, कोर्ट ने इसे लेकर हमारे पक्ष में फैसला दिया है। आइए सबसे पहले आपको सुनाते हैं कि मंदिर महंत वेणुगोपाल का क्या कुछ कहना है। नहीं साहब, कोई दबाव नहीं है। सर, पुलिस कंप्लेंट करी क्या? फिर आपने फिर पुलिस ने कोई एक्शन लिया क्या? नहीं साहब, पुलिस कंप्लेंट हमने नहीं करी अभी। अभी कहां पहुंचा? अभी क्या कहना चाह रहे हो? आपने मीडिया को बुलाया है। हाँ जी, अभी क्या समस्या है जो आप बताना चाह रहे हैं, अभी बताइए। साहब, समस्या कुछ भी नहीं है। हम हो सकता है कि ये एक विषय क्या भैया, हम आपकी बात नहीं समझ पा रहे हैं। आप विषय रखो, आपको कोई अनजान आदमी आया आपके संग मारपीट करके चला गया, ये विषय है, या आपके घर पे कब्जा किया जा रहा है, ये विषय क्या है? विषय आपके द्वारा जो साइन करा हुआ प्रेस नोट है उसमें साफ लिखा हुआ है सवाई मानसिंह म्यूजियम ट्रस्ट के गार्ड कर्मचारी ट्रस्ट की लगभग 200 व्यक्ति यहाँ पर आए। ये आपके द्वारा कैसे हुआ हमें ये समझ नहीं आ रहा, बहुत वो क्योंकि बैरिकेड जो लग रहे हैं वो सवाई मानसिंह बैरिकेड लग रहे हैं, पुलिस के बैरिकेड नहीं लग रहे। आपको बोलना है, आपने प्रेस नोट अपना जारी किया, आप अपनी बात बोलिए, आप अपने साइन प्रेस नोट जारी करें, मौका नहीं मिलेगा बोलने का, बोलने के बाद मौका नहीं मिलेगा आपको, मौका दोबारा बचो आपके सर। अब ये मैं वाकई इस चीज को प्रेस नोट आपके द्वारा ही साइन करा हुआ है, जो सब कुछ है उसमें लिखा हुआ है सवाई मानसिंह ट्रस्ट के बारे में। अरे वो बराबर नीचे रख रहा है सर, मैं संभावना थी कि डिस्प्यूट था तो संभावना को देख के मैंने सर ऐसी संभावना थी क्योंकि हमारे बीच में डिस्प्यूट चल रहा था, लेकिन अभी डिस्प्यूट आपके और हमारे और सवाई मानसिंह म्यूजियम ट्रस्ट के बीच में मंदिर की बाहर की बगीचे के बाबत। तो ये पहले से कब्जे में थी आपके सवाई सब? अभी समझौता हुआ नहीं है, लेकिन मुझे मतलब आशा है कि समझौता शायद हो निकल आए। समझौता हो गया है, अभी बात कर रहे हैं, अभी ये कर रहे हैं। आप समझौता करने जा रहे हैं? भाई साहब आप आओ, हम समझौते को लेकर बिल्कुल पूर्ण रूप से खुले हैं। सामने की तरफ से भी अगर कोई समझौता आता है तो हम समझौता करने को तैयार हैं। किस तरह का है? दोनों पक्षों के मध्य सर दो बच्चा घबरा गया नहीं सर, आप दबाव में आ गए क्या? नहीं सुन के बोलिए, आपने प्रेस को बोलो कुछ बोल दिया, आपने क्या सुन लिया? ये प्रेस के सामने कुछ बोल दे रहे हैं? रवि जी आप बोलो, फिर मैं बोलूंगा। आप बोलो, मैं तो सब हमारे दो जो विवाद है वो दोनों पक्षों के वकील यहाँ पे मौजूद हैं। मैं कहूँगा कि ये उससे हम मेरे से ज्यादा बेहतर समझा सकते हैं इस पूरे मामले को। नहीं विवाद तो है ही बिल्कुल। ये सुना आपने कि मंदिर महंत ने क्या कुछ इस विवाद पर कहा। इसके उल्टे सिटी पैलेस के वकील रमेश चंद शर्मा ने कहा सवाई मानसिंह म्यूजियम ट्रस्ट ने इस संपत्ति को लेकर 1986 में कोर्ट में दावा किया था। 30 अप्रैल 2024 को कोर्ट ने यह संपत्ति म्यूजियम की मानते हुए इनके खिलाफ दावा किया। कब्जा तो हमारा पहले से ही था, कोर्ट ने माना है, यह तो कुछ भी कह सकते हैं, कोर्ट का फैसला हमारे हक में है। आज की तारीख में स्वामित्व हमारा है, कब्जा हमारा है। आइए सुनाते हैं क्या कुछ कहा वकील ने। देखो, सवाई मानसिंह सेकंड म्यूजियम ट्रस्ट ने इस संपत्ति के बाबत दावा किया था अपना कब्जा दिखाते हुए 1986 में। इनके खिलाफ में ये क्या नाम, जितनी भी पार्टियां, इनके खिलाफ में दावा किया था 30/4/2024 को। वो दावा सवाई मानसिंह म्यूजियम ट्रस्ट की संपत्ति मानते हुए, संपत्ति का कब्जा मानते हुए इनके खिलाफ में डिग्री किया कोर्ट ने। बस ये है मेरा कहना। आप अकेले
अंधेरे में कब्जा लेने की कहां जरूरत पड़ी है लोगों को? अरे दिन में टूरिस्ट आते हैं, सब आते हैं, उसमें क्या हो गया कब्जा लेने की जरूरत? कब्जा तो हमारा पहले से ही था, कब्जा तो हमारा पहले से ही था। क्या बात कर रहे हो आप? कब्जा पहले से था हमारा। हाँ हाँ हाँ, कोर्ट ने माना है, आपको फैसले की नकलें दे दी ना आपको, बस। तो इसने कुछ भी नहीं किया हमने रात को। अब वो तो बता, ये तो कुछ भी कह सकते हैं, ये कहने को तो ये भी कह दे कि मेरी संपत्ति है, ये तो कोर्ट का फैसला मानोगे या इनका कहना मानोगे? ये बता दो मुझे। अरे वो क्या मानो क्या क्या करेंगे हम, तो वो अलग चीज है। आज की तारीख में कोर्ट की डिग्री हमारे हक में है, कब्जा हमारा है, स्वामी तुम्हारा माना कोर्ट ने। ये सवाल पूछने का आपको कोई राइट नहीं है। नहीं तो मैं आपको पूछ रहा हूँ, आपको कौन गया कौन नहीं गया, मुझे जानकारी नहीं है इसकी। संपत्ति हमारी है, संपत्ति हमारी है, हमारे कब्जे में थी शुरू से। हाँ, अब वो पता नहीं किसने आया, मेरे को पता नहीं है, इसकी जानकारी मेरे को नहीं, इसकी जानकारी मेरे पास नहीं है, इसकी जानकारी नहीं है, इसकी जानकारी मेरी नहीं है। अब तो इनके बीच में क्या तय हुआ है यही बताएंगे? अरे ये बता देंगे तो, ये बताएंगे समझौता के बारे में कोई हुआ हो तो, ये खुद बताएंगे, मैं क्या बताऊंगा? ये चाहेंगे तो खो जाएगा, नहीं चाहेंगे नहीं होगा। ये बता दें कि क्या चाहते हैं, इनके क्या बातचीत हुई है ये जाने। अब मंदिर महंत का कहना है कि जब राज परिवार उन्हें दान में मंदिर दे चुका है तो फिर वे अब हस्तक्षेप क्यों कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ सिटी पैलेस ट्रस्ट का कहना है कि राज परिवार ने राजस्थान भर में कई लोगों को मंदिर का ध्यान रखने के लिए जमीनें दान की गई थी, लेकिन कई लोगों ने मंदिरों को व्यवसायिक गतिविधियों का केंद्र बना लिया। इसके साथ ही मंदिर में आम जनता के आवागमन पर भी रोक लगा दी गई, जो कि सरासर गलत है। ऐसे में मालिकाना हक को लेकर सबसे पहले अपने दावे हैं, लेकिन इसके बीच एक बड़ी विरोधाभास की स्थिति पैदा हो गई है। मामला फिर से कोर्ट में विचाराधीन है, ऐसे में अब दोनों पक्षों के लिए फैसले का इंतजार करना ही मुनासिब रहेगा। आप क्या कहते हैं इस बारे में, आप अपनी राय बताइए।